हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। आपको इस वीडियो में मैं इस बार सिखाऊंगा कि आपको अपना साइटमेट गूगल के सर्च कंसोल में कैसे सबमिट करना चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको बैकलिंक कैसे क्रिएट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा न्यू वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लास्ट वीडियो में हमने अपने ब्लॉगर्स के डैशबोर्ड में देखा जाए तो पेजेस बना दिए थे, पेजेस क्रिएट कर लिए थे हमने, टोटल 5 पेजेस क्रिएट किए थे। उसे कैसे क्रिएट करते हैं, कहाँ कहाँ से क्रिएट करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया था। लेकिन ये सिर्फ काफ़ी नहीं है आपको SEO के लिए, आपको साइट में सबमिट कराना पड़ता है। साइट में सबमिट कराने के लिए कम से कम एक पोस्ट आपकी लिखी हुई होनी चाहिए। तो आपका मैं साइट में क्रिएट करने के लिए एक ऐसी पोस्ट लिख देता हूँ जिसमें मैं सिर्फ अपना नाम लिख देता हूँ, टाइटल एंड जो भी कॉन्टेंट लिखना है दोनों में। उसके बाद मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ तो कम से कम एक पोस्ट तो हो जाएगी जिसे मैं साइट पर मैं आपको क्रिएट करके दिखा पाऊँ। तो आप अपनी कोई भी अच्छे से पोस्ट लिख के साइट मैप क्रिएट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको अभी अपना साइट मैप क्रिएट करना है, लेकिन साइट मैप क्रिएट करने के से पहले आपको गूगल सर्च कंसोल पे अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। गूगल सर्च कंसोल आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, और जो आपको सबसे पहले URL दिख रहा है गूगल सर्च कंसोल का, उस पर आप क्लिक करके उसे ओपन कर लीजिए। उसको ओपन करने का जैसे ही आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा वेब व्यू दिखेगा। एंड उस पर जो स्टार्ट नाउ को आपको बटन दिख रहा है आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड वहाँ पे अपनी आईडी बना लेनी है और अपने ब्लॉगर्स के साथ उसको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा डैशबोर्ड जैसा दिख रहा है वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो इंडेक्स में साइट मैप का एक ऑप्शन आता है, आपको वहाँ पे जाके क्लिक करना है। तो मतलब यहाँ पे आपको अपना साइट मैप पूरा सबमिट करना है। उसके लिए आप गूगल पे ब्लॉगर साइट मैप करके सर्च कर लीजिए, जो सबसे पहले साइट दिख रही है ब्लॉगर साइट मैप जनरेट XML, उस पर आपको जाना है। एंड ये जो XML साइट मैप फॉर ब्लॉगर दिख रहा है उसमें आपको अपनी URL कॉपी करके डाल देनी है। हो पाया तो मैं इसकी लिंक भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि साइट में जनरेट करना कितना इम्पोर्टेंट है। साइट में आप जैसे इस पर देखेंगे तो जनरेट हो जाएगा। अब कंसोल में जाके देखेंगे तो blogspot.com तक तो हमारा पहले से यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसमें जो लास्ट लाइन है .com के बाद की एटम से 500 तक आपको कॉपी कर लेनी है, और वो कॉपी करके आपको सिर्फ पेस्ट कर देना है अपने गूगल सर्च कंसोल के साइट मैप में। बस इतना ही इजी था, मतलब आपका साइट मैप क्रिएट हो चुका है एंड आपने उसको गूगल को सबमिट भी करा दिया है। साइट मैप आप क्रिएट क्यों करते हैं? साइट मैप हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि गूगल को समझने में आसान हो हमारे साइट में कितने पेजेस हैं, कितने पोस्टेस हैं, वो सारे इंडेक्स हो पाएँ गूगल में एंड वो सर्च हो पाएँ। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे साइट मैप काफ़ी ज़रूरी है क्रिएट करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी न्यू वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।